नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र और मुंबई से, जिसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वहां पर फिर एक बार महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, सम्माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके फिर एक बार धज्जिए उड़ा दिए गए हैं। और इस बार धज्जिए उड़ाने वाले वहां के कानून व्यवस्था के और कोई नहीं थे, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथ में उनके औरंगाबाद के सांसद थे इम्तियाज जलील। दोस्तों, ये क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से इन्होंने जो बातें की उसमें से क्या गलत था और क्या सही था, ये पूरा समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, वैसे तो ये सरकार थपेड़ों वाली सरकार है, तीन अलग अलग साइज के पहियों की ये सरकार है, जिसमें शिवसेना है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस, इन सब की धज्जिया उड़ा दी। इनके पूरे राजनीति की जो टायर की जो पूरी हवा है, तीनों टायरों की, वो निकाल दी इन्होंने। असदुद्दीन ओवैसी यहां पर जब रात में भाषण कर रहे थे, उसके पहले सुबह ये जो औरंगाबाद के उनके सांसद हैं, ये जलील साहब, इम्तियाज जलील, ये पहले ये रिजर्वेशन के लिए इन्होंने एक रैली निकाली थी आरक्षण के लिए, और वो औरंगाबाद से वो अहमदनगर में घुसने की कोशिश की, हजारों गाड़ियां थी, उन्हें वहां रोका गया। वहां से वो पुणे आए तो पुणे में भी उन्हें आने नहीं दिया गया, तो सीधा उन्होंने पुणे बाईपास से होते हुए मुंबई में प्रवेश करने की कोशिश की। मुंबई के बॉर्डर पर एंट्री पॉइंट पर हजारों पुलिसकर्मी वहां पर तैनात कर दिए गए थे, और मुंबई में पिछले दो दिनों से 144 लगा हुआ है, यानी आप वहां पर कोई रैली नहीं ले सकते, आप कोई सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते, हजारों लाखों लोग जमा नहीं कर सकते। और इस इम्तियाज जलील को, इन साहब को रोका गया वहां, इन्होंने सुना नहीं, ये और इनकी सारी वो जो ताफा था गाड़ियों का, ये सब घुस करके मुंबई में घुस गए, और वहां पर चांदेवली जाकर के वहां पर ऑलरेडी स्टेज बना हुआ था, MIM के जो वहां के स्थानीय पदाधिकारी है मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ, उन्होंने वहां पूरी व्यवस्था करके रखी थी, और वहां पर इन्होंने एक बड़ी सभा ली आरक्षण के लिए। आरक्षण एक बहाना है, आरक्षण क्यों चाहते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिए हुए थे 2012 में, और उसके बावजूद ये कांग्रेस और ये राष्ट्रवादी, इन्होंने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में इनके रिजर्वेशन की बात लिखी थी, लेकिन इतने साल हो गए अब तक नहीं किया। 2019 के चुनाव में भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो पर, चुनाव के मैनिफेस्टो में ये सब लिखा था, लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाता। और उन्होंने पूरा ब्यौरा बताया आंकड़ों के साथ कि किस तरह से मराठा कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, और उसके तुलना में कितने टके मुसलमान IAS IPS हैं। IAS में तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं है, IPS में उन्होंने कुछ बहुत ही कम ये परसेंटेज बताया, जबकि मराठा 25% IPS हैं। और पढ़ाई के मामलों में उन्होंने बताया कि कुछ 1 या 1.5% ही मुसलमान हैं जो पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, यानी ग्रेजुएशन पूरी कर पाते हैं, लेकिन मराठा 25%, 30% इतने टके वाली के लोग, यानी इतने परसेंट के लोग, ये लोग ग्रेजुएट बन पाते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि कितने मराठाओं के पास जमीन है, कितने परसेंट लोगों के पास, कितने मुसलमानों के पास है, वगैरह वगैरह इत्यादि, भी काफी सारी उन्होंने जानकारी उस सभा में दे तो दी। और उन्होंने क्या ये किया, वहां जो उनके कार्यकर्ता थे, वहां पर जो जनता थी, हजारों लाखों लोग जमा थे, उनसे ये कहा कि हमें तो पहले नोटिस दे दिया जाता था 149 का, लेकिन इस बार 149 का नोटिस नहीं दिया गया। उसके पहले असदुद्दीन ओवैसी के पहले इम्तियाज जलील ने तो सीधा कहा था कि हमें जगह जगह पर रोका गया, पुणे में रोका गया, अहमदनगर के बाहर रोका गया, यानी उसके बाद मुंबई के बाहर भी रोका गया था उन्हें प्रवेश करते हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो आ गए अंदर, हमने कहा जो आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। यानी बिल्कुल कानून कायदे का डर महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है, इस तरह की परिस्थिति है। ये ओमिक्रॉन जो कोविड का बताया जा रहा है, उसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज किया महाराष्ट्र की सरकार को, उन्हें कहा कि जब राहुल गांधी यहां आएंगे तो क्या आप ये ओमिक्रॉन का बता करके 144 लगा देंगे, कर्फ्यू लगा देंगे, ये इस तरह का कुछ काम करेंगे, तो इस तरह के पूरे पूरे हालात हैं। लेकिन
उन्होंने एक बात बताना भूल गए, वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे और सेक्युलरिज्म की बात क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो सियासत की सेक्युलरिज्म है वो बहुत गलत है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है और ऐसे और वैसे क्या मिला मुसलमानों को कांग्रेस और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाले ये बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, चुनाव के समय आते हैं आपसे वोट मांगते हैं लेकिन बाद में आपको भूल जाते हैं, 67% मुसलमान कच्चे घरों में रह रहे हैं, इस तरह की जानकारी उन्होंने दी। लेकिन वो जिस संविधान और जिस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं उसमें ये बताना भूल गए कि ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने 1947 के पहले यानी 1946 में ये कहा था या शायद उसके भी पहले कि इलेक्शन में जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जहां से ज्यादा ये जो उस समय की पार्टी थी मुसलमानों की वो जीतेगी वहां पर पाकिस्तान बना दिया जाएगा। यानी ऐसे हालात तब थे, ये लोग जीते किस और क्षेत्र में और इन्होंने पाकिस्तान बनाया किसी और क्षेत्र में। अब आप बताइए कि एक तो ऑलरेडी नाइंसाफी हो चुकी वहां के पंजाबी सिख इन सबको और खासकर सिंधियों को तो अपना पूरा प्रांत ही खाली करना पड़ा, पूरा राज्य। और जहां तक पंजाबी और सिखों का सवाल है उन्हें ईस्ट पंजाब में तो स्थान मिला, जगह मिली, लेकिन उन्हें कौन सा रिजर्वेशन मिला? और सिंधियों को तो ना राज्य मिला ना प्रांत मिला ना कोई रिजर्वेशन मिली, वो तो पूरे विश्व भर में बिखर गए। तो ये जिस संविधान की बात कर रहे हैं, ये जिस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें ये वो नहीं कहेंगे कि कितने सारे हिंदू, ये पंजाबी और सिख ये हिंदू ही हैं, सिंधी ये भी हिंदू ही हैं, कितनी परसेंट अब माइनॉरिटीज बची है पाकिस्तान में। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ यहाँ नाइंसाफी की जा रही है। तो अगर आप नेचुरल जस्टिस की बात करने वाले हो सांसद साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो कितने माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में पाकिस्तान में नाइंसाफी हो रही है ये भी पूरी जानकारी दीजिए। आप सिर्फ मराठाओं की और मुसलमानों की तुलना करेंगे, क्या ये नेचुरल जस्टिस है? कुदरती तौर पर अगर न्याय जो एक केस में लागू होता है उसी तरह का न्याय दूसरे केस में भी होना चाहिए। पाकिस्तान में न्याय अलग होना चाहिए कुदरत का, बांग्लादेश में अलग और भारत के लिए अलग होना चाहिए। क्या इस तरह के ये भेदभाव और डबल स्टैंडर्ड चल सकते हैं? क्या ये भारत के संविधान के तहत भारत की न्यायपालिका हो, भारत का संसद हो, क्या उन्हें ये मान्य हो सकते हैं? उन्होंने एक और चैलेंज दिया है, उन्होंने चैलेंज दिया है सीधे सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी से। देखिए ये लगभग 9:20 से उनका भाषण चालू हुआ और 10 तक उनका भाषण खत्म हुआ, यानी लगभग 40-42 मिनट के आसपास उन्होंने भाषण दिया और उसमें उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है। उनका भाषण खत्म होने के बाद अब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि आने वाला जो विंटर सेशन होने वाला है महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी वहां के विधानसभा का जो सत्र होने जा रहा है, उसमें उनके विधायक जो भी है वो तो विधानसभा में आवाज उठाएंगे ही, लेकिन ओवैसी साहब ने कहा कि हम और हमारे सभी मुसलमान दोबारा एक बार आएंगे महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में जहां ये सेशन हो रहा है। पहले उनकी गलत फहमी थी कि वो ये कह रहे थे कि नागपुर में सेशन होने जा रहा है, किसी ने उन्हें दुरुस्त की, उन्हें पूरी जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि मुंबई में जो सेशन होने जा रहा है, सत्र होने जा रहा है विधानसभा का, वहां पर हम फिर आएंगे और हम अपना आंदोलन फिर से करेंगे। यानी ये जो इस्लाम के नाम पर जगह जमीन पहले से ले चुके हैं उसे भूल जाइए, अभी हम यहाँ आरक्षण मांग रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुसलमानों को छूट के दीजिए ताकि फिर यहाँ पर शरिया लागू की जाए। जब उनका बहुमत हो जाएगा, उनकी मेजोरिटी हो जाएगी, तो क्या करने वाले? शरिया ही लागू करेंगे ना, कि कौन सा वेद पुराण का वहां कानून लागू करने वाले हैं या बाइबल का कानून लागू करेंगे? वो किस लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं? क्या इन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या वहां की जो सरकार है महाराष्ट्र की, उनकी जो कानून व्यवस्था की जो यंत्रणा है, कानून व्यवस्था की परिस्थिति है, क्या वो फेल हो चुकी है? क्योंकि अगर आपको याद होगा कि लगभग 2012 के आसपास जो आजाद मैदान में जब ये जो पूरा वहां पर तोड़फोड़ हुई थी आजाद मैदान में, मुसलमानों ने की थी, और वो कौन थे? वो जो अकादमी थी वो कौन है? उसी के ये सब वंशज हैं, ओवैसी परिवार। तो तब भी उन्होंने किया, अब पिछले महीने भी उन्होंने किया 3 जिलों के अंदर महाराष्ट्र में। तो क्या इसी तरह से ये सब चलता रहेगा? ये रजा अकादमी या उनके ये सब वारिस या वंशज, ओवैसी हो चाहे उनके भाई हो या उनकी ये पार्टी हो, क्या ये इसी तरह से देश के हालात
बिगाड़ना चाहते हैं? ये भी एक सवाल है। हर बार उसी मोड़ पर लाकर के खड़ा कर देना और हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा देना। देखिए ये किस्सा एक अलग बात है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है उन्होंने शिवसेना को लताड़ दिया ये कहते हुए कि क्या आपको सत्ता में इनके साथ बैठने का मैंडेट मिला था। ये तो बात सही है, लेकिन क्या कांग्रेस और राष्ट्रवादी को मैंडेट मिला था, ये भी उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ टूथ एंड नेल, हैमर एंड टोंग उनके खिलाफ बात की है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या इस तरह की राजनीति चलती रहेगी कि दो पार्टियां चुनाव में एक साथ जाती हैं, उसके बाद उसमें से एक पार्टी अलग होकर के जिन्हें विरोधी पार्टी में विरोधी पक्ष में बैठने का मैंडेट मिला हो उनके साथ मिलकर के सत्ता बना देना, क्या ये लोगों को चूना लगाना नहीं है, लोगों को गुमराह करना, लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं होता? या फिर मुसलमान के इस्लाम के नाम पर लोगों को तोड़ना आपस में, क्या ये सही राजनीति है? क्या इस तरह की राजनीति जायज है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों ये जो पूरी जानकारी हमने आपके सामने रखी, आपको तो पता है कि पालघर में साधु की हत्या से लेकर के दिशा सालियान का जो मर्डर हुआ या सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ या ये सब जो वाकये हुए, अर्णब गोस्वामी को पुराने केस को खोल करके एक सिविल मैटर को क्रिमिनल केस बना करके उन्हें गिरफ्तार किया गया, नारायण नाने जैसे केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर दिया गया, तो ये जो सब परिस्थिति है और अब ये ओआईसी या इनके जो सांसद हैं इम्तियाज जलील, इनका जबरदस्ती मुंबई में प्रवेश करना और ओआईसी का पहले से वहां उपस्थित होना और ये पूरी 144 सेक्शन लगे हुए हालात में ये पूरे कानून का और जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उसका भंग करके खुलेआम एक रैली लेना, क्या ये कानून के धजिया उड़ाने वाली बात नहीं है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की धजिया उड़ाने वाली बात नहीं है? कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था को संभालने वाली जो यंत्रणा है क्या वो पूरी फेल हो चुकी है या क्या है? ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। पूरी जानकारी हमने आपके सामने रखी है, आप खुद तय कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नेचुरल जस्टिस इनके लिए हर प्रदेश के लिए अलग है, हर राज्य के लिए अलग है, ऐसी ओबीसी की सोच है। पाकिस्तान में भी अलग होना चाहिए, बांग्लादेश में अलग होना चाहिए, भारत के लिए अलग होना चाहिए, महाराष्ट्र के लिए अलग होना चाहिए, गुजरात के लिए अलग, केरला के लिए अलग और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अलग नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। क्या इस तरह से भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे? क्या ये भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोई साजिश है इसके पीछे? ये सब समझना बहुत जरूरी है। या फिर इस्लाम का शरिया यहां पर लागू करने का प्रयास है, प्रयत्न है या साजिश की जा रही है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। पूरी जानकारी हमने आपके सामने तो रख दी है, आप खुद इस पर सोचिए, इसे समझिए, समझने की कोशिश कीजिए और आपकी जो राय है वो नीचे हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए ताकि हमें भी जानकारी हो कि हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इसे सबके साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको हमारे हर एपिसोड और हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देखकर सही सही जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।